मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY में स्ट्रेचर और ट्रॉली खींचने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। इसी के चलते अब मरीज के परिजनों को ट्रॉली और स्ट्रेचर खींचना पड़ रहा है। इंदौर का MY अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय का संगठन हड़ताल पर उतर गया है। इसकी वजह से मरीजों के परिजनों को ही उनके स्ट्रेचर और ट्रॉली खींचना पड़ रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके पुराने सुपरवाइजर अनुराग मेहरा को कंपनी ने अचानक से MY से हटाकर दूसरी साइट पर भेज दिया। उनका नया सुपरवाइजर राजेश राव उनके साथ मारपीट करता है और उनसे शराब मंगवाने का काम करता है। दोपहर में 1:30 बजे मैं खाना खाने जा रहा था तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। UDS के मैनेजर ने बोले कहाँ जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो बोले खाना खाकर बोलो वापिस आओ। फिर वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बोला खाना खाने का ये समय क्या ये ना वो, तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने मेरे को अचानक काम पे से निकाल दिया। और ये तो ज्वाइनिंग लेटर पे लिखे रहता है, बोले कि 3 महीने तक पहले बताना चाहिए क्या तुम्हारा काम पे से निकालेंगे, मगर 2 दिन बाद ही उन्होंने वो काम पे से निकाल दिया। जी बताइए। मैं ड्यूटी से आया, मैंने साइन करी और हमने ये सेकंड शिफ्ट वाले तो रात में 11 में 15 मिनट की देर थी, तो मैं ट्राली मिला ट्राली गिनने गया तो बोले 4 ट्राली गिनने, 1 ट्राली एक्सरे में थी। घर से आया एक्सरे में, बोले कि मैंने बोला कि ये भैया वाट की गाड़ी है सुपर, मैं ये गाड़ी नहीं गिनूंगा। तुमने उठाया फट दिन से सीमा ऑफिस के भारी मेरे को चंकर मार दिया। ये मैम मैं भी 3-4 दिन के बाद ही मैम वो कॉलर पकड़ के खींच के लेके मेरे को अंदर तक, बोले तेने दारू पी रखी, मतलब मैंने कोई दारू पी के आया नहीं मैम। और हमारे नाइट वाले सुपर वो भी थे तो उनने भी कुछ जवाब नहीं दिया हमको, उन्होंने कंप्लेन करी। तो आपने इसकी जो शिकायत है जो अधीक्षक पॉल साहब से की? मैं पॉल सर से की नहीं मैम, मैं रात में रहते नहीं मैम, रात में 11:30 बजे तक UDS के मैनेजर को बताया था। UDS मैनेजर था हमारा नाइट में। क्या नाम है UDS मैनेजर का? मैं वो पता नहीं, नाइट में आदित्य भाजी को बताया था। क्या बोला आदित्य जी ने? बोला अभी तो काम करो तब कल देखते हैं। तो आप लोगों को तो निकाल दिया गया ना जी। आज ये वो पता नहीं मैम, लेटर भी नहीं दिया कुछ भी नहीं, साइन भी नहीं, अचानक कुछ बताया भी नहीं, लेटर भी नहीं दिया, जन लेटर और एकदम निकाल दिया अचानक ही। ठीक है, अपना नाम बताइए। जितेंद्र सिंगार। वहीं कंपनी के मैनेजर के मुताबिक कर्मचारियों का सुपरवाइजर अनुराग शराब पीने का आदि है, वह ड्यूटी पर शराब पी कर आता है इसलिए उसे हटाया गया। बिल्कुल, ये पिछले कम से कम वो 10 बार इस कंडीशन में पाया गया है कि कई बार तो ड्रिंक करके आया हुआ है, कई बार यहाँ ड्रिंक करते हुए पकड़ाया गया है, तो जिस वजह से हम लोग ऑलरेडी उसके बारे में प्लान करके बैठे हुए थे कि उसको हम लोग यहाँ पे ना रख के किसी दूसरी साइड पे रखेंगे। अनुराग मेहरा जिसको कि हम लोग कंटिन्यू हमारे सुपरविज़न में था, वो कि उसकी जो प्रॉपर वर्किंग नहीं थी, साथ में हॉस्पिटल स्टाफ से भी कंप्लेंट्स आ रही थी, साथ में पेशेंट्स भी काफ़ी कंप्लेंट्स कर रहे थे कि उनको समय पे जो सुविधाएं हम लोगों को वार्ड बॉय और ट्रॉली बॉय के रूप में देनी है वो नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से हम लोगों ने जस्ट उसको यहाँ, हम लोगों ने उसको टर्मिनेट नहीं किया है, हम लोगों ने उसको निकाला नहीं है, वो अभी भी हमारे सिस्टम में हमारे साथ में है, सिर्फ उसका साइट चेंज कर दिया है, उसको हम लोगों ने साइट ऑफिस पर ट्रांसफ़र किया हुआ है, इसके अलावा और कुछ दूसरा ये नहीं है, जिस वजह से उसके जो साथीगण हैं वो अभी विरोध में बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों के पास में जो अल्टरनेट हमारे पास में जो अरेंजमेंट था सेकंड और नाइट शिफ्ट के जो वार्ड बॉयज़ और ट्रॉली बॉयज़ थे उन लोगों को हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोग उसके लिए भी तैयार है कि सपोज़ अगर उसके बंदे यहाँ पे कंटिन्यू ना भी करें तो हमारे पास में इतना मैन पावर हम लोग फुल में लेकर के चल रहे हैं जो कि कहीं से कहीं तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खबर ये भी आ रही है कि जो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसको शराब पीने का आदि है, इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक वो लोग वापस लौटेंगे? सर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कंपनी और कर्मचारियों के विवाद के बीच आम मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।